अब इसके ठीक विपरीत 2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी उस सरकार का पहला निर्णय क्या था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना। केराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो एक फहरिस्त है प्रत्याशियों की, ये वही लोग हैं जो केराना के प्लान के लिए जिम्मेदार रहे हैं, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, बुलंदशहर के उपद्रव के लिए जिम्मेदार रहे हैं। जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है वे अपने अगल बगल कहीं भी देखें 15 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति वैक्सीन का डोज जरूर ले लें, क्योंकि कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई देश की लड़ाई है और देश की लड़ाई में हम सबको देश को विजयी बनाना है, कोरोना को परास्त करना है। और हम मान सकते हैं कि जैसे कोरोना का ये थर्ड वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में कमजोर हुआ है, इस बात को बताता है कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। और उसी जीत के मंत्र के साथ आज एक बार फिर मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई, आप समाज के प्रबुद्ध जन हैं और आप सबकी बड़ी भूमिका है देश के लिए, समाज के लिए। आपने सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद आपने सरकार से कुछ अपेक्षाएं की थी, सरकार ने उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य किया, फर्क साफ दिखता होगा। फर्क साफ क्या है, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तुम्हारे पहले तीन निर्णय होते हैं। एक, हमने अवैध बूचड़खानों को बंद किया। दूसरा, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। और तीसरा, हम लोगों ने प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला निर्णय था जिसे आपने आशीर्वाद देकर के 2017 में प्रदेश की सत्ता सौंपी थी। अब इसके ठीक विपरीत 2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी उस सरकार का पहला निर्णय क्या था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना। भाइयों बहनों, जब आदत किसी की बुरी हो जाती है ना, वो सर्दी सुधरती नहीं है। समाजवादी पार्टी की वो आदत जो 12 में थी वही 22 में भी है, 10 साल के बाद भी सुधरेगी नहीं। उन्होंने तो जैसे संकल्प ही ले लिया है कि हम कभी नहीं सुधरेंगे, और उनकी प्रत्याशियों की सूची आप देख सकते हैं, केराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो एक फहरिस्त है प्रत्याशियों की, ये वही लोग हैं जो केराना के प्लान के लिए जिम्मेदार रहे हैं, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, बुलंदशहर के उपद्रव के लिए जिम्मेदार रहे हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था को धता बता करके, सत्ता की धौंस जमा करके व्यापारियों की संपत्तियों पर, गरीबों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे। लेकिन 2017 के बाद आपने देखा होगा जिस प्रदेश में 12 से 17 के बीच में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, क्या कोसी कला का दंगा, क्या मुजफ्फरनगर का दंगा, क्या बुलंदशहर का उपद्रव, क्या मेरठ के दंगे, सब जगह दंगे दंगे यही होते थे। उसी प्रदेश में 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है
दंगा करेंगे, अगले दिन उनका पोस्टर किसी चौराहे पर चिपक जाएगा। और फिर तीसरे दिन उनके घर में नोटिस पहुंच जाएगी। आपने देखा होगा ना, इसी बुलंदशहर में सीए के दौरान जिन लोगों ने कुछ आगजनी करने का प्रयास किया और जब नोटिस पहुंची तो उसके बाद कहने लगे घर की कुड़की अब मत करिए, बकस दीजिए, हमें पैसा जमा करना है। जो लोग कानून को धता बताते थे, कानून ने कैसे उन्हें अपने गिरफ्त में लिया, इसके लिए जज्बा होना चाहिए। और ये जज्बा केवल भारतीय जनता पार्टी में है। भाइयों बहनों, जो लोग प्रदेश में केराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी देश का स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। अब तो इस बुलंदशहर के बगल में ही हम फिल्म सिटी भी बना रहे हैं। अब तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी इसी के बगल में बन रहा है, एक घंटे की दूरी में। मेडिकल डिवाइस पार्क भी इसी के बगल में बन रहा है, आधे घंटे की दूरी पर। और भाइयों बहनों, यही नहीं, यहां से मेरठ से लेकर के और प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी हम लोग यहीं से कर रहे हैं। सुबह यहां से निकले, दोपहर में संगम में स्नान किया, शाम को वापस बुलंदशहर वापस आ गए। भाइयों बहनों, सुरक्षा और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किसी ने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के निर्माण में उन्होंने अपनी संपत्ति दी, एक भी पत्थर उनके नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नहीं। हमने कहा नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भले ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के योगदान को विस्मृत कर दे, लेकिन राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी विस्मृत नहीं करेगी। उनके नाम पे एक विश्वविद्यालय का निर्माण होगा और हमारी सरकार एक विश्वविद्यालय का निर्माण अलीगढ़ में कर रही है। यही नहीं, मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपकी मेरठ में बन रही है, और जिन लोगों ने आतंकी मंसूबे पाले हुए थे उनके लिए हमने एटीएस के कमांडो भी देवबंद और अलग अलग जगह तैनात कर दिए हैं। सुरक्षा और समृद्धि के साथ कोई समझौता नहीं। और गरीबों के कल्याण के लिए, भाइयों बहनों, पहले मुख्यमंत्री बनते थे, मंत्री बनते थे, क्या करते थे, अपना बंगला बनाते थे, गरीबों का नहीं मकान नहीं बनता था। यानी उनके लिए अपनी समृद्धि सामाजिक न्याय था, अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, उनके लिए उनका परिवार ही प्रदेश था। और हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है, यही फर्क है।